हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। हाल ही में हिमालय की पहाड़ियों में कुछ ऐसे पौधे मिले हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स मिले हैं जिनकी मदद से COVID-19 महामारी जो है वो ठीक हो सकती है। COVID-19 का इलाज जो है वो हो सकता है। अ हिमालयन फ्लावर दैट कुड क्योर COVID-19। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी द्वारा एक रिसर्च करके ये पाया गया है कि हिमालय की पहाड़ियों में आम तौर पर पाया जाने वाला एक पौधा जिसको हिमालयन बुरांश या साइंटिफिकली जिसको कहा जाता है रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम, इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट के फ्लावर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये COVID-19 वायरस को रेप्लीकेट होने से रोकता है। यानी कि कोविड के वायरस को जो है वो फैलने से रोका जा सकता है इस प्लांट की, इस फ्लावर की मदद से। तो रिसर्चर जो है उन्होंने इस प्लांट के फाइटोकेमिकल्स में पाया है कि इसमें पोटेंशियल है, इसको COVID-19 इन्फेक्शन के खिलाफ या उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोकेमिकल जो है वो शब्द का अर्थ है ऐसे केमिकल जो प्लांट से रिलीज होते हैं। दरअसल ग्रीक भाषा में प्लांट को फाइटो कहा जाता है। तो फाइटो केमिकल्स या प्लांट केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो प्लांट से रिलीज होते हैं इनको फाइटो केमिकल्स कहा जाता है। तो इस हिमालयन ब्रांच प्लांट के पत्तियों, जो फूल की पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, उसके अंदर फाइटो केमिकल्स ऐसे पाए गए हैं जो COVID-19 इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार का ये हिमालयन ब्रांच प्लांट है और इसके ये इस तरीके के इसके फ्लावर के पेटल्स हैं जिनमें एक काफी ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है इस महामारी को रोकने के लिए। तो पेटल्स ऑफ हिमालयन बुरांश रोडोडेंड्रॉन और बोरियम प्लांट, इस ऐसा नहीं है कि ये प्लांट कोई नया मिला है। इस प्लांट का इस्तेमाल पहले भी हिमालय रीजन के लोग जो है वो करते थे। जो नेटिव लोग आसपास के इलाकों में रहते हैं वो इस प्लांट को पहले भी कंज्यूम करते रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, खास करके जब जुकाम आदि या कोई फीवर आदि लोगों को यहाँ पर होता था। तो ये प्लांट जो है, इसके फूलों की जो पत्तियां हैं, जो पेटल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती थी जुकाम आदि की स्थिति में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये इस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे कोविड इन्फेक्शन को भी रोका जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इस वजह से साइंटिस्ट जो है IIT मंडी के, उन्होंने काफी सारे साइंटिफिक टेस्ट किए ऑन द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ब्रांच पेटल्स। तो ब्रांच फ्लावर की जो पत्तियां थी उसके ऊपर काफी सारे साइंटिफिक टेस्ट जो है वो किए गए, और खास करके उन पेटल्स में मौजूद फाइटोकेमिकल्स को बार बार टेस्ट किया गया। और पर्टिकुलर फोकस ये था कि एंटीवायरल एक्टिविटी कैसी है, यानी कि किसी भी वायरल के अगेंस्ट ये फाइटोकेमिकल्स जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या इस वायरल के को कंट्रोल करने में, इसको खत्म करने में ये कोई हेल्प जो है वो कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया गया, और इसमें ये पाया गया कि ये जो है वो वायरस को किल करने में मदद करते हैं। वो कैसे पता चला? एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें डोज ऑफ द पेटल एक्सट्रैक्ट, जो फाइटोकेमिकल पत्तियों में से निकले थे, उनको इनहिबिट किया गया, उनको यूज किया गया COVID-19 को इनहिबिट करने के लिए इन वीरो E6 सेल्स। तो ये एक टाइप के सेल्स है जो कहां से आते हैं, सेल्स डिराइव फ्रॉम द किडनी ऑफ एन अफ्रीकन ग्रीन मंकी दैट आर कॉमनली यूज टू स्टडी इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए वीरो E6 सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अफ्रीकन ग्रीन मंकी की किडनी से सेल्स लिए जाते हैं जिसके ऊपर अलग अलग स्टडीज की जाती हैं। तो ये वही सेम चीज इस स्टडी में भी की गई। इन वायरो E6 सेल्स को पहले जो है इन्फेक्ट किया गया कोविड वायरस से, और बाद में इसके अंदर एंटर किए गए, बाद में इसमें इंट्रोड्यूस किए गए इन पेटल एक्सट्रैक्ट्स के जो फाइटोकेमिकल जो कि पेटल एक्सट्रैक्ट से मिले थे। यानी कि जो
जिनको एज्यूम किया जा रहा था कि इनके अंदर पोटेंशियल है वायरल को रोकने का, उनको इंट्रोड्यूस किया गया ऐसे सेल्स में जो कोविड से इन्फेक्टेड थे। ये सेल्स किसके थे? ये अफ्रीकन ग्रीन मंकी की किडनी के सेल्स थे, और ये सेल्स नॉर्मली भी किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ऐसा देखा गया कि इन फाइटोकेमिकल से, इन पेटल एक्सट्रैक्ट से, ये जो कोविड वायरल सेल्स थे वो कम होते हुए नजर आए, इनहिबिट हुआ कोविड इन वीरो E6 सेल्स में, और किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट सेल के ऊपर नहीं हुआ। यानी कि जो सेल है वो कोविड वायरल से जो है वो कोविड वायरल की मात्रा उसमें कम होती हुई नजर आई, लेकिन कोई किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट सेल के ऊपर नहीं हुआ, विच शोज के ये पोटेंशियल रखते हैं, ये एक्सट्रैक्ट जो है उनमें वो ताकत है कि वो इन वायरल्स को रोक सकते हैं। तो ये IIT मंडी जो है उनके द्वारा ये पूरा का पूरा शोध किया गया, और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो कर रहे हैं, 2019 से ही IIT मंडी के जो साइंटिस्ट है वो हिमालयन फ्लोरा के ऊपर रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। उद्देश्य उनका ये है कि कोई रेयर प्लांट उनको मिल जाए, कोई ऐसा प्लांट जो एंडेंजर्ड हो वो मिल जाए, कोई एरोमेटिक या मेडिसिनल प्लांट उनको मिल जाए। एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट जो है, जिस तरीके से अगर ये प्रूव हो जाता है तो बहुत बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ होगा, और एक मेजर मेडिसिनल प्लांट जो है ये हिमालयन ब्रांच बन जाएगा, क्योंकि फिर COVID-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए, उससे बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा भी एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो काफी ज्यादा डिमांड में है इस समय, बिकॉज उनकी वजह से, उनकी इस्तेमाल से काफी ज्यादा फ्रेग्रेंट, चाहे सोप्स हो, चाहे रूम फ्रेशनर्स आदि बनाए जाते हैं। तो इस दिशा में IIT मंडी जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा था, और क्योंकि ये ऐसा प्लांट था जो ऑलरेडी वहां के नेटिव लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, उसके ऊपर ही अध्ययन किया गया है। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो है, अगर इस सही मात्रा में इसका उपयोग ना किया जाए तो ये जो प्लांट है ये टॉक्सिक भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो अगर किया जाता है तो हो सकता है COVID-19 इन्फेक्शन से ये लोगों को बचा सके। तो IIT मंडी जो है वो 2020 से ही, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, उन्होंने अपना काम जो है उसको काफी, उस काम में तेजी लाई थी, और वो निरंतर ये प्रयास कर रहे थे कि कोई ऐसा मेडिसिनल प्लांट मिले, क्योंकि हिमालय जो है वो अपने फ्लोरा के लिए काफी ज्यादा रिच है, काफी मात्रा में वहां वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो उन सभी मौजूद वनस्पतियों में कोई ऐसा प्लांट की तलाश जो है वो IIT मंडी द्वारा की जा रही थी जो COVID-19 इन्फेक्शन को रोक सकता था, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारे प्लांट्स में और हर्ब्स में पाई जाती हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है वो हिमालयन ब्रांच में मिला, और हिमालयन ब्रांच जो है इसके ऊपर जो स्टडी है वो पहली बार एक अध्ययन जो है इसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर इस तरीके के टेस्ट हो रहे हैं, इवन दो इसका इस्तेमाल जो है वो काफी समय से होता आया था। हिमालयन रीजन के जो लोग हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इन हिमालयन ब्रांच पेटल्स का इस्तेमाल अलग अलग व्यंजनों में करते थे, लेकिन अब इस तरीके की साइंटिफिक स्टडी पहली बार इनके ऊपर देखने को मिली। तो जो अफ्रीकन मंकी के सेल्स थे वो सबसे पहले, देवर अलाउड टू बी अटैक्ड बाय COVID-19 वायरस, तो COVID-19 वायरस का हमला उसके ऊपर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इस COVID-19 वायरस की वजह से कुछ सेल्स जो है वो खराब हो गए, सम सेल्स डाइड, एंड वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता गया, जिस तरीके से इंसानों के अंदर ये वायरस जो है वो एकदम से मल्टीप्लाई रेप्लिकेट होता जाता है। लेकिन सेकंड स्टेप में जब उस इन्फेक्टेड सेल में अलग अलग मात्रा में, अलग अलग वायरल लोड, अलग अलग क्वांटिटी में ये ब्रांच पेटल एक्सट्रैक्ट जो है वो ऐड किया गया, तो वायरस लोड जो है वो एकदम से कम हो गया, और वायरस इंपैक्ट जो है वो 80% तक बाधित हो गया। यानी कि अब वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, वो शरीर में फैल नहीं रहा था, और उसकी ग्रोथ को 80% तक रोकने में ये एक्सट्रैक्ट जो है वो कामयाब हुए थे। तो अगर इसी तरीके से ये रिएक्ट ह्यूमन बॉडीज में भी करते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प जो है वो होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अगर एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी के बॉडी सेल्स में अगर इन्होंने इस तरीके का रिएक्शन जो है वो किया है, या इस तरीके का रिस्पांस जो है वो दिया है, तो इट मींस कि ये सभी के लिए सेफ होगा। इसमें अभी समय लगेगा ये जानने के लिए कि क्या ये ह्यूमन यूज के लिए फिट है। तो
यहां पर कम से कम एक साल जो है वो भी लगेगा जब इस बात को क्लियरली प्रूव होने में कि क्या कोविड 19 के विरुद्ध इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे के पूरे समय के दौरान अलग अलग स्टडीज होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और उसके बाद ये बात तय होगी कि क्या ये फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट जो कि ब्रांच पेटल से मिल रहे हैं वो कोविड के विरुद्ध इंसानों को दिए जा सकते हैं। अगर दिए जा सकते हैं तो किस तरीके से, किसी मेडिसिन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्रेजुअली क्लियर होंगी जब इनके ऊपर फर्दर टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स और क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो होंगे। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।